निश्चा तू कर कर जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भूमि प्रेम करो के लिए किया है कि हमको इसमें आर उठना है ये भूमि को आखा जंगल में तो बना दिया संतों के लिए मंदिर बनाया हिरण के लिए बनाया गौशाला बनाया इसलिए ग्राउंड छोटिया भगवान के रमने के लिए उसको दर रोज रात को 9 बजे प्रेम करता है तो रहने वाला कोई साधु संत बाहर नहीं आता है भगवान के लिए प्रसादी रख के चला जाता है सुबह 4 बजे का मेला चढ़ा पर साधु लोग देता है इसके लिए वो आखा जितनी तपस्या करता है इसका भाव होगा उसको भगवान मिलेगा इसका भाव नहीं है भगवान तो कड़कड़ में है भाव नहीं है तो भगवान नहीं है तो अभी हमको ये भूमि को दंडवत करना है स्पर्श करना है तो स्पर्श करके करते हैं भगवान का चरण को इसमें भगवान का चरण रखना है आपको तो चरण कैसे बनाएगा ये आंगली से चांदरा देता है ना एक घर बनाओ चौरस करो चौरस में भगवान का पग आप रखेगा आप करो आप नहीं तो खाली देखो मुट्ठी बंद करो मुक्ति बोलो कष्ट माखन चोर कष्ट माखन चोर कष्ट माखन चोर श्री कृष्ण अर्पण आज ये पग रखा है ना इन्हें माथा में 5-5 आंगरी टच करो पड़ी गया पगला भगवान का नहीं है ये डिकरा का है अब भगवान का पग रखने के लिए इस भगवान का चरणामृत बनाने के लिए इसमें 4 भुजा रखना है जो तुम्हारे छपैया में लगाता है ना हाँ। वो 4 भुजा कौन सा है शंख चक्र गदा पद्म तो जहाँ वो 4 भुजा होता है भगवान का स्थल बोला जाता है तो पहले मैं रखो शंख चक्र पद्म गदा अब ये वे पग बनाया है आपने अपना पग का दर्शन करो ये पग बनाया आपने घर में इसमें फर्क है एक नाना है एक मोटा है नाना मोटा क्यों है जो नाना बनाए वो कृष्ण का जो मोटा बनाए वो राधा का तो आखा संसार का मानस क्या बोलता है राधे कृष्ण कृष्ण राधा नहीं बोलता है क्योंकि राधा कृष्ण से मोटी है कितना दिवस मोटी है 11 महीना 52 दिवस इसलिए राधा कृष्ण बोलते हैं कृष्ण राधा नहीं बोलता है तो हम लोग यहाँ बैठा है ये चरणामृत का चरण पहले टच करो मुक्ति बोलो कृष्ण भगवान बोलो कष्ट भगवान कष्ट भगवान बलदेव जी महाराज व्रज भूमि 84 कोस यात्रा फल प्राप्ति के लिए आपकी भूमि व्रज भूमि आया है तीर्थ का माता पिता को वैकुंठ में फल प्राप्ति करना चरणामृत का भक्ति देना बारम्बार दर्शन देना दर्शन घर में सुख शांति देना बाजू में लगाओ नाभि में लगाओ ताली बगाड़ो नंदगार आनंद भाई जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की करो स्वाहा बोलो गोकुलनाथ की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय आप ये भूमि पर आप लोग बैठा है यहाँ आपको चांस मिला है आने का ये आपका पुण्य नहीं है किसका पुण्य ये हमारे माता पिता का पुण्य जिसका माता पिता साचा सत्कर्म करता है उसका ढिकरा ढिकरी तीर्थ करने के लिए जाता है तो आखा प्राणी के ऊपर में माँ बाप का कर्ज है कर्ज क्या जन्म दिया नाना से मोटा किया लेकिन वो पूरा कब होता है कि जब उसका डिगरा डिग्री तीर्थ करने के जाता है तो आखा संसार के कल्याण के लिए भगवान पृथ्वी के ऊपर में 4 धाम बनाया जो हिंदू बालक 4 धाम नहीं करता है तो कभी माँ बाप के ऋण से उतरता नहीं तो ये पृथ्वी पर भगवान 4 धाम बनाया जिसको बनाने वाला कृष्ण था और उसका फल देने वाला मोटा भाई बलदेव जी था कृष्ण कौन है जो त्रेता में राम है उसका मोटा भाई बलदेव जी कौन है जो त्रेता में लक्ष्मण है जब राम जी के भेगा गया लक्ष्मण जी ने राम जी का सेवा किया तो आशीर्वाद गया कि अगला अवतार में मैं आपकी सेवा करेगा तो राम इधर कृष्ण बना लक्ष्मण ने मोटा भाई बलदेव जी बनाए तो कृष्ण भगवान अखा संसार के लिए 4 धाम 84 कोस बनाया उसका फल देने का अधिकार मोटा भाई बलदेव जी का है
तो आप लोग ब्रजभूमि आया है तो ब्रज का एरिया 260 किलोमीटर का है, इसको 84 कोस बोलती है। प्रदक्षिणा करता है तो ब्रजभूमि का 40 दिवस लगता है, तो जो मनस प्रदक्षिणा करता है उसको 40 दिवस में 5.5 हजार मंदिर दर्शन होता है। ये अनेक सेठिया लोग ने यहाँ करके बनाया है, लेकिन भगवान के टाइम का असर नहीं है, क्योंकि भगवान का जो जन्म हुआ है ना तो लगभग 5982 वर्ष हुआ है। तो भगवान के टाइम का ब्रजभूमि के ऊपर में 3 यज्ञ है, असल मंदिर तो 141 है लेकिन असल भूमि 3 है। पहला आता है गोवर्धन डोंगरा, ये भगवान उठाया। बीजा आता है यमुना जी, ये भगवान का चरण स्पर्श किया। और तीसरा आता है यशोदा मैया का घर हवेली, या कृष्ण नाना से मोटा हुआ। आका संसार में मंदिर है, भगवान का घर नहीं है, घर तो गोकुल में। और जे मानस ब्रजभूमि आता है तो ब्रज का रिवाज क्या है कि रमण रेत लोटा नहीं किया न यमुना पान, रे मन ते नर जाना नहीं ब्रज का तत्व मान। जे मानस ने मंदिर तो आपके घर में है, आपके गामना में, आपके शहर में है, लेकिन भूमि नहीं है। तो जे मानस ब्रजभूमि आकर के ब्रज रज को स्पर्श नहीं करता है, यमुना जी का शरणामृत नहीं लेता है और बालकृष्ण को हिचकाता है नहीं है। कृष्ण तो ठिकाना ठिकाना में सेठिया लोग ने मंदिर में बैठा दिया, लेकिन बालकृष्ण तो यशोदा बा के घर में। जे कृष्ण को यशोदा बा दीकरा के भाव से पालना हिचकाती थी, उन्हें लाल किला परसोत्तम आनंद घेरमा। आज भी यशोदा बा आशीर्वाद देती है जो मेरे कृष्ण को साचा भाव से हिचकाता है, अन्न धन पुत्र नाती बेटा उसका 11 महीने में पूर्ण हो जाता है। तो ये मनोकामना का भगवान का पायणा यशोदा के घर में मिलता है, जो साचे भाव से हिचकाता है उसका 11 महीने में मरीच्छा परिपूर्ण हो जाता है, यशोदा बा का आशीर्वाद है। तो जे मानस ब्रजभूमि स्पर्श नहीं करे, यमुना जी चरणामृत नहीं ले और बालकृष्ण को हिचकावे नहीं, उसका ब्रज यात्रा अधूरा बोला जाए। तो आका संसार में हम लोग जाता है भगवान का मंदिर जोने के लिए, और ब्रजभूमि आता है तो भगवान का घर जोने के लिए। तो भगवान का घर में आप लोग जाएगा तो चार धाम 84 कोस का जो स्टार्टिंग किया भगवान ने, वो यशोदा के घर से किया। तो पहला घर, पहला स्थल यशोदा बा का घर है, तो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे आता है भगवान का घर। घर में जाएगा, नंद बाबा ये गांव का जमींदार था, नंद के घर में 9 लाख गाय था, गऊ का कुल था, इसलिए इसका नाम गोकुल है। 9 लाख गाय, गऊ का कुल एवा केवा गोकुल, गोकुल है। अत्यारे गाम में गाय बिछाए नहीं, मथुरानी दीकरी गोकुल नी गाय, इना करम फूटे बीजा गाम में जाए। मथुरा कंस नगरी केवाय, जे भी रीते मुसलमान लोगों शादी लगन संबंध करे एवं मथुरा में ब्राह्मणों करे, और गोकुल में गाय बिछाए नहीं, गौलोक भूमि केवाय गोकुल। जैसे मुसलमान गाय पालता है, हम लोग लूली लंगड़ी अनाथ बीमार हो जावे तो बिक्री करता है ना, तब लेकिन गोकुल में गाय जेनी कैपेसिटी नहीं खिबड़ावा माटे, तो नंद राजा का गौशाला में उसको रखेगा लेकिन बेचेगा नहीं। तो जब भगवान जन्म ले ही नहीं आया गोकुल में, तो नंद राजा गौदान किया। तो आप माता पिता के लिए गौदान करता है तो यशोदा के घर में गौदान होता है। तो आज भी ये गांव में गोकुल में गाय बेचता नहीं है, गौशाला में रखता है। तो भगवान का घर आप जो निकले जाएगा, नंद बाबा यहाँ का जमींदार था, नंद का घर 2.5 कोस का किला है। मुसलमान लोग का शासन आया हिंदुओं के पछी, तो मुसलमानों को हमारे धर्मस्थल को लूटाना बर्बाद किया, तो किला आज भी 2.5 कोस का ही है, लेकिन भगवान के टाइम में बना हुआ था, अत्यारे जो ये तो अखा खंडर है। बनाने वाला सेठिया लोग आया, जमीन दे उसको नवा करेगा, नयाबा करेगा तो जूना नहीं रहेगा। अखा किले के ऊपर में अर्धा भाग मुसलमान लोग के क्षेत्र में जहाँ मस्जिद है, और अर्धा में यशोदा माँ का घर है जहाँ आठम करते हैं नंदगढ़ आनंद भयू जय कन्हैया लाल की, उसको बोलते हैं गर्भगृह, जहाँ बलदेव जी जन्म लिया और वसुदेव जी कृष्ण को मथुरा से और यशोदा के घर में रखे गया, तो वो घर को गर्भगृह बोलता है। गर्भगृह कोई मानस नहीं बनाया, कौन बनाया? विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी गर्भगृह में 84 थामला लगाया है कि कलयुग काल आएगा, कोई डीकरा अपने माँ बाप के लिए चार धाम 84 कोस नहीं जाएगा। क्यों लगाया? भगवान जब नाना था यशोदा के घर में माखन चोरी करता, थामला ऊपर हाथ लगाता। आज भी तुम्हारे गिनती कर सो 83 दाय 85 दाय 84 गिनमा में 9 आवे। थामला थामला ऊपर में राधा कृष्ण का चरण है, चोना चांदी लेके गया, मूर्तियों को लुटाना बर्बाद किया। तुम्हारा गिनती करो 83 दाय 85 दाय 84 बराबर नहीं आए। क्यों लगाया? कि मनुष्य जीवन 84 लाख पछी मिला है, 84 जन्म पछी मनुष्य डील मिलता है। ब्रज भूमि 84 कोस में बसा हुआ है, तो जे मानस मनुष्य शरीर लेकर के ब्रज भूमि आता है तो ब्रज का आने से मंदिर का लाभ नहीं है, मंदिर तो अपने घर में है। ब्रज में आने से पहला लाभ क्या मिलता है कि संसार में कहीं भी किसी भी मंदिर में जाएगा, अभी आपने दर्शन किया भगवान का जो है ना, तो भगवान का देखा मंदिर में भगवान खड़ा हुआ है। हम लोग दरवाजा पे जाता है डंडवत करके वापस होता है, लेकिन यशोदा के घर में जाएगा हवेली में, वह भगवान खड़ा नहीं है, बैठा नहीं है, वह भगवान पायणा में। झूले लाल कला परसोत्तम आनंद घेरमा, यशोदा जी झुलावे पुत्र पायणा। तो झूले लाल कला परसोत्तम आनंद घेरमा, यशोदा जी झुलावे पुत्र पायणा। तो जे मानस ब्रजभूमि आकर के
आका संसार में तो दर्शन करता है और ब्रजभूमि में आता है तो पहला लाभ भगवान को अपने आशय चकाने को मिलता है। यमुना महारानी पग स्पर्श किया, लला का पग स्पर्श होता है, तो जय महाराज दिल से हिचकाता है, पग स्पर्श करता है तो 84 थामला मिलके जाता है। तो कौन सा पुण्य मिलता है कि जिसने अपने माँ बाप को 60 वर्ष की अवस्था तक चारस धाम नहीं कराया, 84 को लीली प्रदक्षिणा नहीं फराई, वो यात्रा का फल भगवान के घर में आने से मानस को प्राप्त होता है। तो आज आप यहाँ आया है तो ये मेरा नहीं, मेरे माँ माता पिता का पुण्य है। मेरा पुण्य कब होगा इसके लिए मैं आखा जिंदगी कमाई करूँगा। वो ढिकरा ढिकरी सुपात्र है तो जीवन का कमाई अच्छा है, और ढिकरा ढिकरी खोटा है तो जीवन में कमाया वो धन भी सब खोटा है। हम जो आया है वो मेरे माँ बाप का पुण्य है, मेरा पुण्य तो मेरा ढिकरा ढिकरी आएगा तो साचा है। तो भगवान सबसे पहले ये गामड़ा में 7 वर्ष बामा दिन बाल लीला किया। जोया टीवी महाभारत पूतना कासुर बकासुर त्रावर धैनकासुर शक्टासुर अन्य राक्षस का वध किया, मिट्टी खाया, मिट्टी में आरोटा, शुद्ध बाबा को मुख खोल करके ब्रह्मांड दिखाया। तो ये आखा कृष्ण लीला गोकुल में किया। इसलिए जो मानस गोकुल में आता है उसका रिवाज है 60 साल का बुड्ढा और 5 साल का ढीकरा एक भाव हो जाता है। जब तक ये गाँव में आप रहेगा मन में क्रोध अहंकार नहीं करना और हंसने में कंजूसी नहीं करना। ये हंसता है इना घर बसता है, ये अहंकार क्रोध करे न तृद न पल नष्ट थी जाए। हमें गोकुल में तैयार रहिए, हंसी खुशी रहवाना। गोकुल कृष्णना बाल भूमि के भाई बाल भूमि गोकुल, गोकुल में कृष्ण माखन चोर कहिए। तो गोकुल थी भगवान गया वृंदावन। वृंदावन कोई जगह नहीं, तुलसी नो बन के भाई वृंदावन। राधा कृष्ण भेगा थया रास रमा, तो भगवान का नाम बाकी बारी थे। गोवर्धन डुबरा उठाया तो कृष्ण का इंद्र का ईमान दूर किया तो कृष्ण का नाम गिरधारी हुआ। वर्षा नाम में राधा रानी के भेगा भगवान थया तो भगवान होली किया। और 12.5 वर्ष की अवस्था में भगवान मथुरा में कंस ने मारी ना किया, कंस मारी नहीं पछी भगवान पृथ्वी पर में पहला धाम बनाया जगन्नाथ। जगन्नाथ क्या उसे उड़ीसा में जब भगवान का बेन रहता था समुद्रा, समुद्रा के जोड़े भगवान चोखा खाया तो कृष्ण का नाम जगदीश हुआ। बीजा धाम बनाए हिमालय में बद्रीनाथ, भगवान अर्जुन के भेगा थया तो भगवान तपस्या किया तो नर नारायण हुआ। जगन्नाथ बसाया बद्रीनाथ बसाया कृष्ण का लगन नहीं हुआ, जब भगवान लगन किया तो रुक्मिणी का हरण हुआ। तो दरिया में सोने का द्वारका बनाया राज्य किया तो द्वारकाधीश हुआ। और छेला धाम ये ब्रजभूमि, ये कृष्ण चारस धाम बनाया संसार ने कल्याण ना माटे, कृष्ण ने फल देवाना अधिकार नहीं, कृष्ण तो नाना है। तो चार धाम में हम लोग जाता है तो हमारा माँ बाप जोता है कि आखा जिंदगी का सब कुछ दिया ढिकरा ढिकरी को, आज मैं मेरे लिए वो लोग क्या देगा। तो जी हम लोग धाम यात्रा करने जाता है होटल में गाड़ी में खाने में पीने में जितना भी खर्च करता है सुख सुविधा के लिए करता है, लेकिन हम लोग माँ बाप के लिए जा रहा है। तो तीन ठिकाने आखिर जिंदगी की कमाई में से माँ बाप के नाव से थार भरता है, जो माँ बाप को बैकुंठ में मिलता है उसको चुकाने के लिए हम लोग जाता है। और ये कमाई करना आखा प्राणी का अधिकार है, लेकिन तीर्थ करना आखा प्राणी का अधिकार नहीं है। तीर्थ तो उसको होता है जो साची कमाई करता है, जिसका प्रभु के ऊपर में प्रभु का जिसके ऊपर में आशीर्वाद होता है और जिसका माता पिता सत्कर्म करता है उसका ढिकरा तीर्थ करने के लिए जाता है। और तीन ठिकाने माँ बाप के नाव से हम लोग थार भरता है उसको करने के लिए हम लोग धाम जाता है। तो पहला धार जगन्नाथ में जाएगा तो चोखा का भरा जाएगा, बद्री धाम में जाएगा तो दारिया का दाल पंचमेवा का भरा जाएगा, और द्वारका धाम जाएगा तो ठोन्ना लाड़बा का भरा जाएगा। लेकिन फल प्राप्ति नहीं होता है क्योंकि वो कृष्ण है ना, वो नाना है। कहते हैं माँ बाप के बगैर जन्म नहीं, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं, साक्षी बगैर तीर्थ नहीं। उसका फल लेने के लिए यशोदा के घर में मोटा भाई बलदेव जी का पग पकड़ना पड़ता है, साक्षी कराना पड़ता है। तो जगन्नाथ से सोटी लाता है, बद्री धाम से कोपर का बीटी लाता है, और द्वारका धाम से गोप तालाब का गोपी चंदन लेके आता है। यहाँ ला करके मोटा भाई बलदेव जी को उसका साक्षी भेंट करेगा तो माँ बाप का तीर्थ परिपूर्ण होगा। लेकिन ये कार्य करने के लिए आखा प्राणी की कैपेसिटी नहीं है, किसी पर समय नहीं है, कोई मानस पर पैसा नहीं है। वो मानस ब्रजभूमि आकर के या बालकृष्ण को हिचकाता है, भगवान का पग पकड़ता है, 84 तामला मिलता है, तो माता पिता को चार धाम 84 कोष पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ कृष्ण को थार नहीं आता है, कृष्ण को जगन्नाथ बद्रीनाथ द्वारकानाथ ब्रज का राजा बलदेव जी है, यहाँ कृष्ण को नहीं बलदेव जी को थार लगता है जो मोटा भाई है। तो जो मोटा भाई का थार भरता है तो चार धाम 84 कोष का फल प्राप्ति होता है। किसका थार लगता है तो भगवान खाया चुराया हवेली हवेली में माकड़ साकड़, जो मानस भगवान को माकर साकर थार भरता है हिचकाता है पग पकड़ता है 84 थामला मिलता है तो चार धाम माता पिता को फल प्राप्ति होता है। भगवान खाता नहीं, भगवान तो भाव का जो भूखा है। जो मानस भाव भावती साचा भावती भगवान को थार लगाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जन्म से कुछ लाया नहीं, जितना भी कमाया भेगा नहीं जाएगा, घर में भेगा जाएगा।